नमस्कार साथियों, खजुराहो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको नवनिर्मित एक मंदिर को दिखाने जा रहा हूं, जो कि लगभग 250 से 300 साल पुरानी बताई जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खजुराहो में आपको 10वीं शताब्दी का भी मूर्तियां का एपिसोड आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि 10वीं शताब्दी का बहुत ही अद्भुत मूर्ति। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसे मंदिर जो कि यहां के जब नवनिर्मित राजा छत्तर सिंह थे, छत्तरपुर के जो प्रताप सिंह थे, वो इस मंदिर को निर्माण किए थे और उन्हीं के नाम पर यह मंदिर को बनाया गया है, जो कि यहाँ के जो भी बाकी मंदिर है उससे भिन्न है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि खजुराहो में जो भी राजा हुआ करते थे तो वो एक नए मंदिर का निर्माण किया करते थे, जिस वजह से खजुराहो में लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे, जो कि अभी टूटकर बच चुके हैं 22, उनकी संख्या हो चुकी है। तो चलिए प्रतापेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं कि इसके अंदर कौन से भगवान विराजमान हैं और इसकी बाहरी की संरचना और मूलभूत जो भी संरचनाएं की गई है उसके बारे में बताते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतापेश्वर मंदिर का जो यहाँ पे इससे जुड़ी कुछ जानकारी दिया गया है। जैसा कि 1784 से 1854 के ईस्वी के दौरान यहाँ के तत्कालीन जो छत्तरपुर के राजा जो राजा प्रताप सिंह थे उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और इस मंदिर के अंदर आपको एक ऊंचे चबूतरे पर योनि पीठ से जुड़ी एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगी, जो बाकी शिवलिंगों से अद्भुत है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो साथियों, चलिए इससे पहले मैं आपको बाहरी संरचनाएं आपको दिखा देता हूं इस मंदिर के, और ये बाहरी संरचनाएं बाकी मंदिरों से भिन्न क्यों है, क्योंकि आपको बता रहा हूं बाकी आप यहां का मंदिर देखेंगे वो पत्थरों से निर्मित थी, और यह मंदिर देख रहे हैं आप सीमेंट से इस पर नक्काशी किया गया है, यानी कि इसके पीछे पत्थर था लेकिन उसके बाद यह टूट गया, और जिसकी वजह से इसके ऊपर जो सीमेंट का और बालू का जो लेप है, जिसकी वजह से इसको मॉडिफाई कर दिया गया, पेंट कर दिया गया, इसकी वजह से ये उतना आकर्षित नहीं दिखती है, इसीलिए लोग इसके तरफ नहीं आते हैं और इस मंदिर को नहीं देखते हैं, जैसा कि आपको ऊपर देख ही रहा होगा, देख रहे हैं ना दोस्तों। और यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब कि चीज़ें हैं, और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आपको चारों तरफ इसी प्रकार से आपको इस मंदिर में आपको संरचनाएं देखने को मिल जाएगी, कैमरामैन से बोलूंगा ऊपर दिखाने के लिए। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं इस मंदिर में किस प्रकार की संरचनाएँ हैं, ऊपर कमल का फूल है, उसी के बगल में आपको एक जानवर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर देख सकते किस प्रकार आकार की एक आकृति बनाई गई है जो कि बाकी मंदिरों से भिन्न इसीलिए बताई जाती है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, गर्भगृह में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर का जो ये बाहरी यह गेट है ये पत्थरों से ही बनाया गया है, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का कुछ टूटा हुआ यहाँ पे अंश आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बाकी मंदिरों की तरह ही दिखती है। इस पर भी नक्काशी आपको किया गया है, जो कि यौन शिक्षा से रिलेटेड इस मंदिर को नहीं बनाया गया है। और ये देख सकते हैं यह मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही हम आ गए और यहाँ पर नंदी महाराज जी विराजमान हैं, और इसी के अंदर आपको शिव लिंग आपको दिखाई देगा जो कि योनि पीठ पे बैठी हुई है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अंदर आया और अंदर आते ही आप देखिए किस प्रकार की यहाँ पे नक्काशी है, पूरा एकदम सन्नाटा है, और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसा कि ये देखिए शिवलिंग है, शिवलिंग को बोलूँगा अच्छे से दिखाने के लिए कैमरामैन को थोड़ा अंदर से आके, और ये जो शिवलिंग जैसा कि मैं आपको बताया लगभग 300 साल पुरानी है, तो ये देख सकते हैं एकदम गजब की लग रही है शिवलिंग, ओके। तो इसको देखिए और समझिए, ऊपर का गुंबद देखिए दोस्तों किस प्रकार से है, जो कि यहाँ आते ही बोल रहे हैं तो अजीब प्रकार के यहाँ से आवाज़ें आ रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके पास भी कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो हमें कमेंट करिए, वहाँ पर आएंगे आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।